नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और एक और फ्रेश यहाँ पर वीडियो आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों। एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है दोस्तों। अच्छी खबर ये है कि हमारे यहाँ पर 4600 यानी पूरे 4600 लोगों की जो है फैमिली जो है कम्प्लीटली हो चुकी है और मैं चाहता हूँ जल्दी से आप इसको 5000 का कर दो। और दूसरी एक और खुशखबरी मैं बता दूँ आपको, जैसे हमारे 5000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम एक जो है यहाँ पर गिव अवे भी करेंगे। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले उसको लाइक करो। और बाकी गिव अवे की डिटेल्स जो है उसी दिन रिवील की जाएगी जब जो है 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं अगर आपको बता दूं तो मैं आज यहाँ पर किस रूम के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्लिस रूम के ऊपर भी वीडियो चाहिए था, तो फाइनली यहाँ पर ब्लिस रूम 12.10 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है यहाँ पर ब्लिस का वर्जन, वही यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। और जो ये जुलाई का आप देख सकते हो 26 तारीख का बिल्ड है और मतलब यही लेटेस्ट इसके अंदर जो है बिल्ड अभी निकल के आता है। और आप देख पाएंगे मैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करूँगा और बैटरी परफॉर्मेंस की अब बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कोई खास गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिली, या फिर मैं कहूँ कि फ्रॉस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस है। नीचे डिस्क्रिप्शन है मेरे गेमिंग चैनल का, अगर आपने अभी तक मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाके कर लो। और आज का गेम मैंने इसी रूम के ऊपर खेला था, उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको वो गेम चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। पबजी खेला था, पबजी लाइट खेला था और दोनों के साथ ही मेरे साथ सेम हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप और अटक रहा था फोन, मतलब गेमिंग के अंदर अटक रहा था बेसिकली। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा था, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, बहुत तगड़े फ्रेम ड्रॉप्स जो है मैंने यहाँ पर महसूस किए गए। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे को रिजल्ट यहाँ पर पबजी के अंदर आज देखने को मिला। अगर अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया रूम है यार, ऐसा कोई दिक्कत मुझे खास नहीं लगा है। लेकिन हाँ दोस्तों, मल्टी टच के इसके अंदर इशू बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। हो सकता है कर्नल के कुछ इशू आ गए हों या कुछ भी इस तरीके का कोई इशू यहाँ पर देखने को हमको मिला है, बट पता नहीं ऐसा क्यों है। दूसरी बात, यहाँ पर बात करूँ तो अपडेटेड जो रोम्स आ रही है उनके अंदर आप यहाँ पर ये चीज़ जो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के नए नए एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हर किसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देख लीजिए बैटरी के अंदर, देख लीजिए बैटरी का तो इनका बिल्कुल अलग होता है ब्लिस का, इसका भी देख सकते हो आप, इसका भी देख सकते हो। मतलब हर चीज़ के अंदर आपको यहाँ पर एनिमेशन टाइप्स कुछ देखने को मिल जाते हैं ऊपर की तरफ, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। इसके एक और अच्छे फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर फेस अनलॉक मिल जाता है, मैंने यहाँ पर लगा रखा तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं तुरंत खोल रहा हूँ और इस हाथ से मेरा फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ है, तो मैं दूसरी उंगली से भी खोल के दिखा देता हूँ। तो काफ़ी कमाल से जो है यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं अपना फेस अनलॉक जो है काम कर रहा है और फिंगरप्रिंट भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं कोई मतलब फेस अनलॉक का मैं ह्यूज फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट मैं ज़रूर से यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। आप इसके अंदर टैप वाला फीचर नहीं मिलता, आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी खोल सकते हैं, बट यही फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं है कि पहले आप लाइट खोलेंगे और उसके बाद इस तरीके से करेंगे, तो वो तो मैंने लाइट खोलने का मतलब आपको इस तरीके से दिखाया कि मैंने उसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाया ही नहीं, ऐसे कुछ करके दिखाया आपको। तो ये आप कर सकते हैं, कुछ यही चीज़ें हैं जो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लाइक जब आप यहाँ पर पकड़ते हैं फ़ोन को और आपने कुछ इस तरीके से होल्ड किया तो आप गलती से भी अगर इस तरीके से यहाँ पर टच कर देते हैं तो ये खुल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर इशू आते हैं इस वाले के साथ में। लेकिन हाँ भाई, ये कुछ इशू तो ज़रूर से हर कस्टमर रूम में यहाँ पर मैंने महसूस किया है। बैटरी बैकअप की बात कहूँ तो ठीक ठाक है यहाँ पर बैटरी बैकअप, इतना कोई खास भी मुझे नहीं देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 90% से इस्तेमाल करा मैंने इसको, 90% से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। देख सकते हो आप 90-95% के आसपास से मैंने इसको स्टार्ट किया था और ऑल ओवर जो मेरे को यहाँ पर परफॉर्मेंस मिली वो इतनी भी खास नहीं थी, क्योंकि अभी भी 38% बैटरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्क्रीन यूसेज टाइम यानी SOT पे जो है यहाँ पर नज़र डालेंगे तो सिर्फ 2 घंटे से भी कम को देखने को मिल रहा है। और लास्ट चार्ज जो मैंने इसको किया था वो 25 घंटे पहले किया था 25 घंटे, इन द सेंस कि जब से रोम इंस्टॉल हुई है मैंने इसको चार्ज यहाँ पर नहीं किया था। एक आध बारी जो है शायद मैंने इसको लगाया था चार्ज पे, तो वो हो सकता है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद, बल्कि जबकि मैं स्ट्रीम कर रहा था स्ट्रीम के अंदर मुझे ये डिक्रीज़ देखने को मिला। आप देख सकते हो इतना ख़तरनाक डिक्रीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। और ये क्या हुआ अभी? अच्छा, शायद मेरे लैपटॉप का साउंड बंद नहीं है तो इसीलिए ये टिंग टूंग कर रहा है, तो अब मैंने बंद कर दिया। अब आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे को देखने में मिला। यहाँ पर नॉर्मल यूज़ तो मैंने नहीं किया है, मैंने इसके अंदर काफ़ी हाई ज़्यादा जो गेमिंग यूज़ है वो किया मैंने, और बेसिकली मेरे गेमिंग के लिए यही फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ मैं जब भी अपने गेमिंग वाले चैनल पर जो है वीडियोज़ बनाता हूँ या लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि भाई मैं रोज़ यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो बिल्कुल, तो दोस्तों अब बुरी खबर की बात कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर रोज़ जो है वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कुछ और भी काम जो है निकल आए, तो हो सकता है आपको रोज़ यहाँ पर वीडियो, एक वीडियो तो शायद आपको डेली देखने को मिलेगा,
लेकिन टेक न्यूज़ जो हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि यार सबसे बड़ी बात, टेक न्यूज़ बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो भाई अब मेरे पास नहीं है क्योंकि कुछ और भी काम निकल आए हैं जिनके बारे में आपको शायद इन फ्यूचर पता चल जाए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अभी जो है यही कुछ है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ ब्लिस रूम की तो भाई मत इंस्टॉल करो गेमिंग के पर्पज से भी और फालतू के जो भी, आपको अगर कुछ करना भी है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और आप देखना चाहते हैं दूसरी इसके अंदर कर्नल वगैरह इंस्टॉल करके, तो वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। लेकिन यार मेरे तरफ से भी कोई रिकमेंडेशन नहीं आता ब्लिस रोम का, क्योंकि यहाँ पर इसका, हालांकि इसका अपडेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, हर मंथ हर वीक भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ खास मेरे को यहाँ पर नहीं देखने को मिला। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है पहले की तरह, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। मिलता है अगली वीडियो में।